नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है, मगर एक जंग और है जो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच इस समय चल रही है। दरअसल दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी ये खूनी खेल अब जंग का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और इसमें दोनों ओर से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इन्हीं दोनों देशों के बीच चल रहे इसी जंग से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा, जैसे कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच ये युद्ध क्यों छिड़ा और इसका पुराना विवाद क्या है, यरूशलम में ऐसा क्या है जिसके लिए ये युद्ध होता रहता है। तीसरी चीज़ दोस्तों, यरूशलम पर 52 बार अब तक हमला हुआ है और 44 बार कब्जा हुआ है, इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसराइल में अब तक कितने मरे हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि जब इन दोनों देशों के बीच हमेशा छोटे मोटे युद्ध होते रहते हैं तो अचानक ये युद्ध इतना बड़ा और हिंसक कैसे हो गया, वो भी कोरोना काल के इस दौर में। एटलीस्ट दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि दोनों देश के बीच में अंतर क्या है और इन दोनों देशों के टकराव की मुख्य वजह भी क्या है। इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों के बारे में समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ जिसे हो सकता है कि इससे पहले आपने किसी बुक या किसी के द्वारा सुनी हो। दरअसल दोस्तों, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि धर्म लोगों के लिए एक अफीम की तरह है और अफीम के नशे की लत किसी को भी तबाह कर देती है, और अभी दुनिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच इस समय युद्ध जैसी स्थिति है और ये युद्ध धर्म के उसी सिद्धांत पर आधारित है जो इंसानों को नशे जैसा लगता है, और ये नशा बिल्कुल अफीम के जैसा ही है जो धर्म का एक नशा है। दोस्तों, ये वक्त मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप आगे की वीडियो को बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे कि इसका मुख्य कारण है क्या। अब दोस्तों, अगर इन दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद पर नज़र डालें तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव की शुरुआत यहूदियों व अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के संघर्ष के लिए हुई थी। दरअसल दोस्तों, 1947 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जब इसराइल के अस्तित्व को मान्यता दे दी गई, उसके बाद से ही इस क्षेत्र में हिंसा और तनाव का दौर जारी हो गया। दरअसल दोस्तों, 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में खाड़ी के क्षेत्र में कई आंदोलन हुए जिनका मकसद था यहूदियों और अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1920 के दशक में फिलिस्तीन राष्ट्रवाद की अवधारणा जोरों शोरों से चढ़ने लगी और यरूशलम में लाखों की संख्या में अरब नागरिकों ने यहूदियों के आगमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद से दोस्तों 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया और यहूदियों के लिए इसराइल और अरब जगत के लोगों के लिए फिलिस्तीन रख दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 1947 में संयुक्त राष्ट्र के बंटवारे के बाद फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा, जिसमें से एक हिस्सा यहूदियों के लिए था और दूसरा हिस्सा इसराइल के लिए। लेकिन दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के इस फैसले के ऊपर अरब समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई और फिलिस्तीन में ही गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके बाद दोस्तों 1967 में इस गृह युद्ध को देखते हुए सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन ने इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। दोस्तों, जब 1967 में इसराइल ने सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन से युद्ध लड़ा तो अकेले इसराइल ने उसके पूर्वी यरूशलम और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया। यानी दोस्तों, ये दोनों इलाके जो जॉर्डन के पास थे उसे इसराइल ने युद्ध में छीन लिया, और तभी से इन इलाकों में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक टकराव आए दिन होता रहता है। दोस्तों, इसराइल आज के समय में ये दावा करता है कि पूरा यरूशलम उसकी राजधानी है, जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलम को भविष्य के फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी मानती है, और अमेरिका उन चंद देशों में से है जो पूरे शहर पर इसराइल के दावे को मानता है। दोस्तों, अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो ये सारी लड़ाई पूर्वी यरूशलम के इलाके को लेकर है, और ये वही इलाका है जहां पर अल अक्सा मस्जिद भी है, जहां से हिंसा भड़की थी। अब दोस्तों, आपका अगला सवाल ये होगा कि पूर्वी यरूशलम में ऐसा क्या है जिसे लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये इलाका ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों के लिए ही अहम है। दोस्तों, तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर अब्राहम से जोड़ते हैं, जबकि ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र से इसलिए है
क्योंकि उनका मानना है कि ये वही जगह है जहां कलवारी की पहाड़ी पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और उनका मकबरा सिपलका के अंदर स्थित है और ये उनके पुनरुत्थान का स्थल भी था, इसलिए ईसाई इस जगह को मानते हैं। वहीं दोस्तों मुसलमानों के लिए ये जगह इसलिए अहम है क्योंकि डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद भी यहीं स्थित है और ये मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मुहम्मद ने यात्रा के दौरान मक्का से यहाँ तक का सफ़र तय किया था और सभी प्रॉफिट आत्माओं के साथ प्रार्थना भी की थी। और इस मस्जिद से कुछ ही कदम की दूरी पर डोम ऑफ रॉक की आधारशिला भी है और मुसलमान मानते हैं कि यहीं से पैगंबर मुहम्मद ने जन्नत की तरफ यात्रा की थी या जन्नत की तरफ गए थे। वहीं दोस्तों यहूदी यरूशलम को इसलिए अपना बताते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये वही जगह है जहां पर आधारशिला रख पूरे दुनिया का निर्माण किया गया था और यहीं पर अब्राहम ने अपने बेटे आइजाक की कुर्बानी दी थी। और यहूदियों वाले हिस्से में वेस्टर्न वॉल है और ये वॉल पवित्र मंदिर का अवशेष है। कुल मिलाकर दोस्तों यरूशलम ईसाई इस्लाम और यहूदी तीनों ही धर्मों का केंद्र है और ये सारे विवाद की कहानी यहीं से शुरू भी होती है। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के कारण यरूशलम पर 52 बार हमला हुआ है और 44 बार कब्जा किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस धर्म का जो केंद्र है इस पर तीनों ही धर्म के लोग हमला कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी वजह से यरूशलम पर अब तक 52 बार हमला हो चुका है और 44 बार तो कब्जा भी कर लिया गया है। दोस्तों मौजूदा विवाद यही है कि पूर्वी यरूशलम में यहूदी फिलिस्तीनियों को उनके घर को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं और वे उन्हें अल अक्सा मस्जिद में आने से भी रोकते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये जगह वेस्टर्न वॉल की है, यानी उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है। दोस्तों यहाँ पर दिलचस्प जानकारी ये भी है कि दुनिया की सबसे प्राचीन शहरों में से एक यरूशलम पर 52 बार हमला हो चुका है और 44 बार इस पर कब्जा हो चुका है और 23 बार आक्रमणकारी सेना ने इस शहर को पूरी तरह से घेर लिया था। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमने शुरुआत से ये कहा था कि धर्म का नशा गोला बारूद से भी खतरनाक होता है। दोस्तों इस पूरे विवाद की जानकारी को और इतिहास में जाकर समझा जाए तो 700 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य ने यरूशलम पर हमला किया था और हमले के बाद यहूदियों के 10 काबिले तितर बितर हो गए थे। इसके बाद 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के हमले के बाद सारे यहूदी दुनिया में इधर उधर जाकर बस गए थे और इजराइल राज्य ने अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो दिया था। और ये वो समय था जब यहूदी इजराइल को छोड़ चुके थे और वहाँ पर फिलिस्तीन अरबों का राज चलता था। लेकिन दोस्तों आज जो स्थिति है उसकी शुरुआत 100 साल पहले मानी जाती है जब पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार हुई, जिसके बाद मध्य पूर्व में फिलिस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन का इस इलाके पर कब्जा हो गया तब बहुसंख्यक अरब और यहूदियों के बीच हिंसा शुरू हो गई, जिसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दखल दिया और 1917 में ब्रिटेन ने बालफोर घोषणा की। जी हाँ दोस्तों, बालफोर डिक्लेरेशन की घोषणा की जिसमें यहूदियों के लिए अलग देश बनाने का वादा किया, जिससे फिलिस्तीन अरब के लोग नाराज हो गए और तभी से हिंसा शुरू हो गई। दोस्तों यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर ने 60 लाख यहूदियों, जी हाँ दोस्तों 60 लाख यानी 6 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम किया तो पश्चिमी देशों से ज़्यादातर यहूदी अपने देश की चाह में फिलिस्तीन आ गए और इसी के बाद वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों में बांटने को लेकर मतदान हुआ और यरूशलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। हालांकि दोस्तों जब इस पर फिलिस्तीनियों ने स्वीकार नहीं किया तो ब्रिटिश शासकों ने इस इलाके को मुक्त कर दिया और ये वही समय था जब यहूदी नेताओं ने इजराइल नाम का देश बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन दोस्तों उसे मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों का कभी समर्थन नहीं मिला और इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित होने के बाद युद्ध भी लड़ना पड़ा, जिसमें उसने अकेले कई सारे मुस्लिम देशों को हराया, जो अभी मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया। अब दोस्तों आपके मन में अगला सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि जब इन दोनों देशों के बीच ये विवाद इतना पुराना है और इन दोनों देशों के बीच आए दिन छोटे मोटे नोकझोंक होते रहते हैं तो इस कोरोना काल में इन दोनों देशों के बीच ऐसा दोबारा क्या हो गया जिससे युद्ध जैसे हिंसा की नौबत आन पड़ी।
तो देखिए दोस्तों, हिंसा का ये दौर एक महीने पहले यरूशलम से शुरू हुआ था, जहां पर रमजान के पवित्र महीने के दौरान हथियारों से लैस इजरायली पुलिस तैनात थी और यहूदियों के द्वारा दर्जनों फिलिस्तीनी परिवार को इस खतरे का आभास करवाया जा रहा था या हवा दिया जा रहा था कि आपके ऊपर हमला होगा और आपको निर्वासित कर दिया जाएगा, जिसके बाद से पुलिस के साथ वहां पर झड़प हो गई और अल अक्सा मस्जिद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड फेंके, और जिसके बाद यरूशलम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने भी सोमवार देर रात इसराइल में कई सारे रॉकेट दाग दिए, जिससे लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, यहां पर आपको ये भी जानना आवश्यक है कि जब हमास की ओर से सैकड़ों रॉकेट दागे जा रहे थे, तो इसराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने 80% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था, और आयरन डोम को दुनिया की बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, इसराइल की आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे इसराइल की फार्मोराफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसराइल के ही एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय और तकनीकी सहायता भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इसको डेवलप करने में अमेरिका ने इसराइल की मदद की है। दोस्तों, हाई टेक्नोलॉजी से लैस आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे रॉकेट मोर्टार को ही हवा में नष्ट किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें फिलिस्तीन की, तो गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि गाजा पट्टी पर इसराइल के हवाई हमले में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है और मृतकों में 17 बच्चे शामिल हैं, और मंत्रालय के मुताबिक इसराइली हवाई हमले में 388 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 115 बच्चे तथा 50 महिलाएँ शामिल हैं। दरअसल दोस्तों, इसराइल ने गाजा पट्टी में सैन्य हमला तेज कर दिया है, जिसमें हमास के 10 शीर्ष चरमपंथियों की मौत हो गई है और कई हवाई हमले में इमारतें जमी धोज हो चुकी हैं, जहां हमास के लोग रहते थे। फिलहाल दोस्तों, इस्लामिक उग्रवादी समूह हमास ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है और उन्होंने भी इसराइल के शहरों पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं।